जल जाएगी, ना मेरे को तो नहीं लग रहा। साफ है मौसम बाहर की, कैसा है आज? अच्छा ना, यहाँ सोया था भाई मैं, यहाँ रात को कुत्ते आ गए ना, उन्होंने मिट्टी मिट्टी कर दी बिस्तर पे, इस मैट पे। क्या हुआ? ये किस लिए? अच्छा चाय लिए। अरे चाय भी नहीं थी ये रात को इधर ही था क्या? चाय भी नहीं? ये नहीं, ये बकरा, ये बकरा इधर बांधा था। हाँ जी जाएगा ये। ओ जीने जो क्या लग रहा है? तो भाई ये ना चाय बनाई जा रही है सुबह सुबह की। क्या हुआ मामा? किस हाथ में लगी है चोट? यार सेक देने थे इसको, या तो गर्म करना पानी ना एक बर्तन में। सुनना नहीं मैम मैंने तो। ऊपर ले आंधी है। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है ना, इस वाली जगह पे सोया था मैं, और रात को इनके कुत्ते आए हुए। इन कुत्तों ने पता क्या किया यहाँ पे, वो देखो पूरे बिस्तर पे मिट्टी मिट्टी कर दी। ये मेरा स्लीपिंग बैग, इसको क्लोज करना है मैंने अब, और इस तरफ को सोए मामा जी। और परे लास्ट में रखा होना भाई वो मांस भेड़ का, भेड़ है मर गई इनकी दो। क्यों जा रहा है चूल्हे में? करना कुछ की जरूरत है? ठंड लग रही है इसको। चाय डाला दूध, ये बन गई चाय, ये आ गया दूध भाई बकरी का, बकरी के दूध की चाय बनाई जा रही है। और भाई पता नहीं पिछले 5-7 दिन से बारिश चल रही थी, वो आई धूप आज वहां से, ओहो मजा ही आ गया। बढ़िया अच्छा है क्या? नहीं है कुछ खुलेगी तेरे बड़े दूर सड़क आते। हाँ हाँ पूछ जाएगा। हाँ ये अगला मोड़ ये पिछला मोड़ ना छोटू। हाँ जी भाई ना धूप लगी है आज यार, मजा जाएगा अब आज। और आग उग जला दी इन्होंने, और आग उग जला दी भाई, आग उग जला के चाय चूहे बना दी इन्होंने। ये चाय यहाँ पे, और छोटू भाई की गर्लफ्रेंड का फोन आ गया सुबह सुबह। छोटू भाई केला खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, साथ में ये रस खा रहे हैं। हेलो ओ भाई धूप आई है ना, दशरथ मान जी ने अपना कोट वहाँ पे डाल दिया उस पे पत्थर पे सुखाने के लिए। ये ना इनके सारे कपड़े गीले थे, तो ये सारे के सारे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए इन्होंने यहाँ पे। और ये भाई इनका डेरा, यहाँ पे भी कपड़े इन्होंने सुखाने के लिए डाले। मैं अभी चाय चूहे पी हमने इनके साथ। ये दशरथ मान जी की जैकेट है, और हमान जी सुबह सुबह तुम ऐसे, और हमारे छोटू भाई यहाँ पे कुछ काम करने लगे हैं, बर्तन साफ करने लगे हैं सुबह सुबह। बारिश ने भाई इनको पूरा मतलब खज्जड़ करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश चल रही है। और इनकी भेड़े मर गई थी दो, तो वो मांस इन्होंने ऐसे मतलब रखा है। ये बिका ही नहीं भाई, बोला लोगों ने बोला कि इसमें थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही है भाई, हम इन्हें खरीदेंगे, तो ये नहीं बिका, किसी ने नहीं खरीदा इसको। तो दो भेड़ें थी, तो एक तो बिल्कुल ही बेस्ट थी, उन्होंने कुत्तों को खिला दिया सारा। और ये के है अब इसको थोड़ा थोड़ा करके सुखाएंगे, या जैसे भी होगा, अगर इनको अच्छा लगा तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। और ये इनकी बकरियां भाई इस तरफ को सारी ऐसे करके बकरियां, बड़ी स्मेल आ रही हो भाई इससे, ये सारी बकरियां इनकी। उस वाली पहाड़ी भाई कल शाम के टाइम ना पूरा स्नोफॉल हो गया हुआ था, धुंध पड़ रही थी, दिख नहीं रहा था कुछ भी, और स्नोफॉल भी हो गया हुआ था। इस वाले जंगल में अपनी बकरियां लेके जाते हैं ये।
तो भाई कोई भाई साहब है ना शेपर्ड फॉक, वो मुझे बोल रहे हैं अरे मामटी बोले तो क्या आप गुजर के डेरे गए, वहाँ पर आप कुछ मामटी मामटी बोल रहे थे, यहाँ पर भी आप मामटी ना पसंद को रिप्लाई करते हैं कि ये बोलते हैं कि मामटी मामटी बोले तो क्या। मामटी मामटी बोलने का मतलब होता है भाई कि जब भी मैं अपने से किसी बड़े से या बुजुर्ग से मिलता हूँ ना, जो जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, जो मतलब ऐसे गद्दी यहाँ पे जहाँ पे मैं जाता हूँ, तो उनको मैं मामटी मामटी का मतलब होता है कि एक संबोधन होता है जो कि हमारे संस्कार है, हमें सिखाया गया है किस तरह से बात करनी है किसी के साथ भी, ठीक है। तो ये हमारा एक संस्कार है भाई, हम ऐसे बात करते हैं। और बाकी भाई गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है, अभी सामने से बिल्कुल धूप आ रही है, आँखें मतलब ऐसे ना खोलने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो बाकी भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी सब बहुत बढ़िया होंगे। जो भी लोग मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं ना नए नए, उनका मतलब स्वागत है, दिल से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो बाकी यहाँ पे आया हूँ भाई मैं, आज मेरा तीसरा दिन है यहाँ पे इन भेड़ पालकों के साथ। अभी चाय वगैरह पी ली हमने और अभी अपना काम धाम करने लगे हैं। बहुत मुश्किल से धूप लगी है, पूरे 5-6 दिन बारिश चल रही थी और भाई धूप आ रही है उस वाली तरफ से, बहुत ज़बरदस्त वाली। तो आज तो भाई मौसम बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, पता नहीं कितने देर तक धूप होगी। बहुत ज़बरदस्त धूप है। दो भेड़े मर गए भाई इनकी, बहुत नुकसान हुआ है इनका, पूरा मांस उनका ऐसे पे कार सड़ गया बारिश में, कोई वो नहीं, कोई बिका नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई मैंने ना भी चाय वगैरह पी इनके साथ यहाँ पे और अब मैं यहाँ जा रहा हूँ आगे वाली तरफ कोई भेड़ पालक है उनसे मिलने के लिए, और उतने में शायद अपनी भीड़ बकरी जंगल लेके जाएंगे। तो मैं उसके बाद आऊँगा, फिर अपना मेरा बैग बुक जो पड़ा है उसको उठाऊँगा और फिर निकलूँगा यहाँ से। और तो अभी जा रहा हूँ मैं एक बार फिर से यहाँ आ गया, भेड़ पालकों के पास गया था मैं, नीचे वाली तरफ को आगे कोई 2-3 किलोमीटर दूर थे, गद्दी लोग थे कहीं ना, वो वाला ब्लॉग मैं अलग से मतलब अपलोड करूँगा। तो अभी मैं यहाँ पे आया भाई ना, जैसे तो ये चले गए हम अपनी भीड़ बकरियाँ लेके जंगल में, मेरे मामा जी और जिनके साथ वो दशरथ मान जी और छोटू भाई, वो चले गए हैं बकरियाँ लेके जंगल में। तो मैंने अभी भाई मतलब तैयारी कर ली यहाँ से निकलने की, और अब ये तो जंगल गए हुए हैं, आएंगे 10-11 बजे, फिर आके खाना वगैरह बनाएंगे, फिर से बकरियाँ लेके जाएंगे शाम के टाइम 2:30-3 बजे लेके जाएंगे फिर से जंगल में। तो ये मैंने अपनी जैकेट लटकाई हुई है यहाँ पे, आज धूप आ गई भाई, तो बढ़िया वाला मौसम हो गया यहाँ पे ना। पिछले वाले पहाड़ देखो आप कितने बढ़िया लग रहे हैं, बल्कि बादल आ रहे हैं थोड़े थोड़े फिर से। तो बस भाई ऐसा जैसा कुछ है, अब मैं अपना ये सारा मतलब बोरी भी उठाऊंगा यहाँ से और निकलूंगा। मुझे लिफ्ट देखनी पड़ेगी मनाली के लिए, मनाली से कुल्लू के लिए, या तो कई बार यहीं से सीधी लिफ्ट मिल जाती है कुल्लू के लिए, ट्रक टुक मिल जाते हैं, टैंकर टुकर। वैसे दिन बिताया भाई मैंने यहाँ पे इनके साथ भेड़ पालकों के साथ, बहुत ही मज़ा आया यार। और मतलब काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बारिश थी बहुत ज़्यादा, आग इनकी जल रही थी, लकड़ियाँ ये वो सो काफ़ी सारी था, टेंट में पानी आने लग पड़ा, ऐसी ऐसी मतलब दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं सब कैंपिंग करने की। ये देखो तुम्हें कपड़े दिखाए थे मैंने सुबह भी, ये सारे गिले हुए पड़े हैं धूप से, सुखाने के लिए रखे हुए उन्होंने। और मुझे ना ऐसे सेंटर वाली जगह पे सुलाते थे ये, कि यहाँ पे थोड़ा पानी कम आता था, साइड में भी पानी आ जाता था, उस वाली तरफ को भी पानी आ जाता था। तो बस ऐसा जैसा कुछ है, अब मैं यहाँ से निकलूँगा और अपना बोरी बिस्तर उसको उठा के, तो अभी खाना वगैरह तो भाई नीचे देखेंगे कुल्लू में जाके कहीं पर। ये देखो तुम पहाड़ों का नज़ारा देखो भाई तुम, क्या गज़ब के खिले हुए हैं, आज धूप आई है ना, क्या ही गज़ब लग रहे हैं ये। ओहो ये आ गई धूप वहाँ ऊपर से, और बढ़िया धूप सेकने का बहुत मज़ा आ रहा है भाई। सर्दियों में धूप सेकता हूँ मैं ऐसे अपने गांव में, और यहाँ पे ये गांव है, यहाँ पे आजकल ही धूप सेकनी पड़ रही है भाई साहब, मतलब गजब का माहौल। तो बस भाई ओके बाय टाटा, निकलते हैं अब यहाँ से। चलते हैं भाई अब यहाँ से, ये मैंने एक एप्पल ले लिया है, खाएंगे अभी हम। तो भाई अब निकलते हैं यहाँ से ना फाइनली इस वाली जगह पे, फिर से ओके बाय टाटा बोल दिया हमने, अभी 2-4 दिनों के बाद फिर से आएंगे यहाँ पे, यहाँ आएंगे कहीं और जाएंगे बट आएंगे फिर से। ये एप्पल खाने लगा हूँ यहाँ पे, ये इन्होंने ना इनके लिए किसी ने छोड़े हुए थे यहाँ पे, तो मुझे दिए थे उन्होंने कि बोला ये खा लेना आप। तो भाई मैंने ना लिफ्ट ले ली हुई है अभी मांझी के, देखो वहाँ पे ना मांझी कैसे बकरियों को हटा रहे हैं रोड से, मैंने लिफ्ट ली है ये भाई साहब के साथ, जा रहा हूँ मैं ट्रक पे। ये इनकी ना बकरियाँ ये रोड की तरफ लेके आए थे, ये पूरा जाम लगा दिया, जाम लगा दिया इन बंदों ने भाई। भाई इस वाली गाड़ी पे लिफ्ट लिया ना ना भाई से, भाई बिलासपुर के हैं, और यार ये देखो तुम व्यू यहाँ से, सोलंग नाला वाली वादियाँ हैं, क्या गजब माहौल है भाई यहाँ का। और हम जाएंगे ऐसे आगे वाली तरफ को, और यहाँ पे ना भाई रुके हैं चाय के लिए, चाय पियेंगे वाला भाई
अरे ठीक है भाई, चाय पी लेते हैं, क्या करना। तो भाई ये चाय आ गई अपनी, ड्राइवर भाई के साथ चाय पियेंगे आज भाई। आपने खाना था भाई जी यार? भैया जी ये लो, यहाँ से करो पेमेंट, आ रहा कुछ नहीं है।